उत्तराखंड के मंगलोर पहुंचे दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलोर पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। मंगलोर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का जोरदार स्वागत किया। मंगलोर विधानसभा में नवनीत सिंह राठी को विधानसभा प्रभारी बनाया गया। मंगलोर विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मजबूती देने के लिए दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलोर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनकर उभर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 21 सालों से उत्तराखंड में दो पार्टियां राज कर रही हैं। दोनों पार्टियों ने बारी बारी से प्रदेश में सरकार बनाकर प्रदेश को लूटने का काम किया है। पिछले 21 वर्षों में प्रदेश का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन नेताओं का विकास जरूर हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश में जुटा है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता से वादा करती है कि प्रदेश में पलायन रोकने के लिए 1,00,000 नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें 80% उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पास कर्नल अजय कोठियाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। जी बिल्कुल लहरा है, क्योंकि आप जनता के उत्साह से ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम जितने भी प्रोग्राम अपने कर रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं, तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ जनता आती है, उनकी बात को समझती है और फिर उस पर विचार भी करती है। क्योंकि हम जितने भी प्रोग्राम जहां भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के सक्सेसफुल जा रहे हैं और जनता अब की बार बदलाव करके ही रहेगी। ये हम मतलब अलग से सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मंगलौर विधानसभा का इतिहास जो है बदल जाएगा, काजी जी राजस्थानी रहेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। आपकी को बने हुए 21 साल हो गए और 21 साल के अंदर यहाँ दो ही पार्टियाँ एक बार एक सरकार बना लेती है, एक बार दूसरी बना लेती है, कहीं भाजपा कांग्रेस, और ज़्यादातर नेता कांग्रेस से भाजपा में चले जाते हैं और फिर भाजपा से कांग्रेस में आ जाते हैं। उत्तराखंड का विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पार्टियों का और इन नेताओं का विकास ज़रूर हो गया, यहाँ आके यही पता लगा है, देखने को यही मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी को लोग बाग विकल्प के रूप में यहाँ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और लोग बहुत तादाद में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं।